वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर लगे बंसल एजुकेशन फेयर 2022 का आज समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी रहे। वहीं खास अतिथि के तौर पर कौशल विकास निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। करीब 9 दिन चले इस अफेयर का मकसद छात्रों को सही गाइडेंस देना था। 12वीं पास करते ही छात्रों के सामने करियर को लेकर सारे कन्फ्यूजन खड़े हो जाते हैं, उन्हें दूर करना इसका मकसद था। उन्हें मार्गदर्शन ठीक से मिल सके एजुकेशन फेयर का मकसद था, इसलिए बंसल न्यूज़ ने एजुकेशन फेयर 2022 का आयोजन किया था। इसके विशेष सत्र में स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी और करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एक्सपर्ट्स के जरिए दूर किया गया। समापन कार्यक्रम के दौरान तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज से आए रिप्रेजेंटेटिव्स का सम्मान किया गया। मैं इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको एक दिशा मिली होगी, यूनिवर्सिटी मिली होगी, उनको अपने फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कि उनको मार्गदर्शन मिला होगा। ये भी एक सामाजिक सरोकार के जो काम इस बंसल द्वारा किया जा रहा है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और साथ ही जितनी भी यहाँ यूनिवर्सिटीज के यहाँ फैकल्टीज हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के दायित्व मेरे पास है आजकल, तो ये हमारे ये काम का एक्सटेंशन जो आप लोग कर रहे हैं उसी से सब जुड़ी हुई है, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस स्थान पर किया है आपने ऐसी जगह पर काम किया है, बच्चा जो आएगा वो स्टेशन पर जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर, किसी स्टेशन पर वो सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और सही गाड़ी पकड़ ले तो वो शायद अपने लक्ष्य को पा लेगा। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म गलत हुआ और गाड़ी गलत दिशा में हो गई तो वो सही दिशा में नहीं पहुंचेगा। यही सारा इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर तलाश करके अगर सही दफ्तर में बैठ गया। मैंने बहुत ही एक साधारण तौर पर सरकारी साहब को फोन किया, नरेंद्र जी को आग्रह किया और मेरा छोटा सा आग्रह उन्होंने बंसल का स्वीकार कर लिया हमारे बीच में। मैं बहुत बहुत आप दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आभार तमाम लोगों के लिए जिन्होंने बंसल एजुकेशन फेयर में अपना पार्टिसिपेट किया। और हमेशा यही प्रयास होता है बंसल न्यूज़ का, बंसल परिवार का, कि कैसे सामाजिक सरकारों के साथ आगे बढ़ते रहे, हर वर्ग को जोड़कर उनके काम आते रहे और कुछ काम उनके लिए हम करते रहे। तो शायद ये भी उसी का एक आपके सामने जो लगातार 9 दिन तक यहाँ चला है, प्रयास यही रहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पहुंचे और वर्तमान का जो एजुकेशन है उसको समझे और शायद उसमें कुछ हद तक सफल भी रहे। लेकिन बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं शैलेंद्र जी का और भगवान सोमनानी जी का, बहुत ही छोटे से किताबों पर सफल है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं यहाँ कॉरपोरेट कॉलेज से रिप्रेजेंट करने आया हूँ और ये जो मैं देखा हूँ यहाँ बंसल न्यूज़ के चैनल ने जो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया एजुकेशन फेयर, ये बहुत ही अच्छा मेरे लिए रहा। मैं क्योंकि ये मैं पहली बार एजुकेशन फेयर में आया हूँ। बंसल न्यूज़ ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है इस एजुकेशन फेयर, जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ ने पार्टिसिपेट किया है और हम लोग यहाँ IAS से आए हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैरियर रिगार्डिंग कैरियर काउंसलिंग किया है यहाँ पर, अपने सारे कोर्सेज के बारे में बताया